हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो आप देख सकते हो निफ्टी का डेली चार्ट है मेरे स्क्रीन पे, और मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एक नीचे की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से। अब अगर आप देखो तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लगता है ये एक दो दिन और रेंज में ही रहेगा, उसके बाद एक क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। सो अगर आप ऐसे टाइम पे अगर आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो तो हायर चांसेस है आपके दोनों बाजू क्या हो जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। सो अभी फिलहाल एडवाइजेबल है कि आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड मत लो दो तीन दिन के लिए, और ऐसा आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, वेट करो। अगर आपके पास ऐसा चार्ट वगैरह नहीं है तो डोंट वरी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मनीष शर्मा नाम है। आप मेरे किसी भी वीडियो में जाओ, आपको फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेगा। ये फायर्स की अकाउंट ओपनिंग लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपको जस्ट स्टेप फॉलो करना है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपका अकाउंट खुलने के बाद आपको ऐसा फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल मिल जाएगा जिसमें आपको लाइव चार्ट वगैरह मिलेगा, आप भी ऐसा ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। तो डोंट वरी एट ऑल, आपको जस्ट फायर्स का अकाउंट खोलना है, फिर आप मेरी तरह ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो, वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व, और किसी भी तरफ अगर ब्रेकआउट देता है देन यू हैव टू टेक द ट्रेड। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है दो तीन दिन और रेंज बाउंड रहे और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे। ये जो लेंथ है एग्जैक्टली इतना ही टारगेट होगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है यहाँ से 11,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 9,400 ये पॉसिबल टारगेट्स आते हैं। तो अभी फिलहाल दो तीन दिन आपको वेट एंड वॉच करना है, ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है, ऑब्जर्व करना है, और जिस तरफ ब्रेकआउट देता है उस तरफ आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक रेंज में, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है, दो तीन दिन हो सकता है और ये रेंज बाउंड रहे, फिर एक इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सिस बैंक सेल दिया था 416 के नीचे, ये 416 के नीचे गया ही नहीं, इसमें सेल ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। डॉक्टर रेड्डी मैंने आपको सेल दिया था 4000 के नीचे, तो 4000 के नीचे गया ये, उसके बाद इसने लो बनाया 3965 का, तो इसमें एक 20-30 रुपए का इंट्राडे में प्रॉफिट मिला। एंड मैंने आपको एक्साइड बाय दिया था 150 के अबाउ, 150 क्रॉस किया, 152 तक जाके आया, उसके बाद एक क्लोजिंग दिया नीचे की तरफ। तो 152 मतलब 150 रुपए का स्टॉक है, 2 रुपए आपको इसमें प्रॉफिट मिला, के लिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए इनफ होता है इतना प्रॉफिट। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा MFSL। MFSL में अगर आप देखो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करने वाला है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले। पैटर्न भी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव पैटर्न है, इसको बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। सो बेरिश हरामी पैटर्न है और ट्रेंड लाइन के बहुत नजदीक है, अगर ये तोड़ देता है ट्रेंड लाइन तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो MFSL पे आपको ध्यान देना है, MFSL काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा TCS। TCS अगर आप देखें इसने काफी अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो, और मुझे लगता है इसमें यहाँ से 2200 तक के लेवल्स भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से 70-80 रुपए के अपमूव के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा माइंट्री। माइंट्री अगर आप देखो तो 982 के लेवल से ये नीचे आया है, और 982 के लेवल से नीचे क्यों आया है, क्योंकि 980 इसका वीकली रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो वीकली रेजिस्टेंस था, वीकली रेजिस्टेंस को टच करके ये नीचे की तरफ आया है, 950 के नीचे ही क्लोज दिया है। तो इसमें सेटअप थोड़ा नेगेटिव है, मुझे लगता है यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे ट्रेड करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।